इन पंक्तियों को लिख सकते हैं आप, आइज़ाया 9 वर्स 6, यशायाह 9:6, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7, फिलिपियों का 4, 6 और 7, 6 to 9, और 6 से 9 तक, फिलिपियों का 4, 6 से 9 तक, देन जॉन चैप्टर 13 और यूहन्ना 13 वर्स 36 उसका 36वां पद, जॉन 14 वर्स 3 और 14 से लेके 3 तक, 14:3 तक। So let's pray. Father, we thank you. प्रार्थना करते पिता, हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for these moments, these times. धन्यवाद इन क्षणों के लिए, इस समय के लिए प्रभु। Thank you for preparing our heart through the worship. धन्यवाद हमारे हृदय को तैयार करने के लिए आराधना के समय। Lord, we ask you this evening. प्रभु हम आपसे मांगते हैं आज के शाम। To speak to each one of us. में से हर एक से आप बातें कीजिएगा प्रभु। Directly. सीधी रीति से प्रभु। To our hearts. हमारे हृदय से प्रभु। Something that's on your heart, transfer it to our hearts today. आपके हृदय में जो है प्रभु, आज हमारे हृदय तक पहुंचने दीजिए उसे प्रभु। Teach us to give our cares to you. और हम आप अपनी जो चिंता है प्रभु आपके देते हैं प्रभु। Help us. हमें मदद कीजिए प्रभु। Thank you that you came on this earth. धन्यवाद प्रभु कि आप इस धरती पर आए प्रभु। That you would become a man. कि आप एक व्यक्ति बने प्रभु। And you come on this earth. और आपने इस धरती का जो चित्र बदल दिया प्रभु। Even now we can think God. और अब भी प्रभु आप चरण परमेश्वर हमारे बोध करें। What David said. और हम इसके बारे में सोचते हैं जो दाऊद ने कहा। What is man? कि क्या है मनुष्य प्रभु? That you would think about him. कि आप उसके बारे में सोचे कि क्या है मनुष्य को, पर हम आपका धन्यवाद देते हैं you think about us. कि आप हमारे बारे में सोचते हैं that you care for us. कि आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। We love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। Bless this evening, Lord. यीशु मसीह इस शाम को आशीषित करो। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. So we won't start with the reading, but you can keep this. Keep your finger in these verses, on these pages, and we'll turn to them soon. और हम अब खड़े होंगे वचनों को पढ़ने के लिए। We'll not stand. But you can keep your finger. हम मुड़ेंगे नहीं वहाँ पे, खड़े नहीं होंगे, लेकिन आप इन पंक्तियों को निकाल के रख सकते हैं वहाँ पे। बाद में हम मुड़ेंगे और बाद में इनको पढ़ेंगे, okay? So, I shared a little bit from here in the morning at the Andheri Church. और इस विषय के बारे में आज सुबह मैंने बात की थी अंधेरी कलीसिया में। We will talk about the name of Christ. और हम बात करेंगे यीशु मसीह के नाम के बारे में। And what it means to us. और इसके ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? In Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह 9:6 में। I'm glad that we sang that song now. और मैं खुश हूँ कि हमने वो गीत गाया आज। In verse 6 is the name of Christ. और छठी पंक्ति में उनका नाम है यीशु मसीह का। I won't sing that verse. और मैं गाऊंगा नहीं। They already did it. क्योंकि Craig already वो कर दिया है। But we'll read that verse, verse 6. पर हम पढ़ेंगे उसको यशायाह 9:6। Samir can read in Hindi, जोर से पढ़ो। और यशायाह 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। For us a child will be born, a son will be given, the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. तो ये सारे नाम जो है यशायाह 9:6 में प्रभु को दिए गए हैं। When we think about these words, और जब हम इन वचनों के बारे में सोचते हैं, each name means a certain attribute of Christ. और हर एक नाम जो है वो परमेश्वर का एक चरित्र दिखाता है हमें। When we think about the names of Christ, जब हम यीशु मसीह के नामों के बारे में सोचते हैं, over 100+ names given to Jesus. तो 100 से भी ज़्यादा नाम दिए गए हैं। I want you to pay attention in this service and stop talking or chatting to your neighbor. Okay? और मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें और जो कहा जा रहा है उस पर, और आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। And each name of Christ, और हर एक नाम जो है यीशु मसीह का, has a meaning. उसका एक मतलब है। And that name talks about who Jesus is. और वो बताता है हमें कि क्या यीशु मसीह है।
but it also has a meaning for us. पर उसका हमारे लिए भी कोई एक व्यक्तिगत मतलब है. And I said this quote in the morning. It says, every name he bears is a blessing that he shares. और हर एक नाम जो उनका है, वो हमारे लिए एक आशीष का कारण है. So whatever his name means. और जो भी उसका नाम है. It's a blessing that he shares with us. और ये वो आशीष है जो वो हमारे साथ बांटते हैं. And every time in the scriptures, और हर समय जहाँ पे भी वचनों में, you come across a name for Jesus. आप यीशु मसीह का एक नाम देखते हैं. Two things we remember. दो चीजें हम याद रखते हैं. First, पहली बात, it reveals who God is. ये वो दर्शाता है कि यीशु प्रभु क्या है. His nature and his character. उसके उनके जो चरित्र को दिखाता है, उनके स्वभाव को दिखाता है. And second, और दूसरी बात, also communicated to us. और हमारे लिए कहा गया, is how that name of God. कि कैसे वो नाम जो है परमेश्वर का, is a provision for you and me. कि वो हमारे लिए कैसे जो हमारी जरूरत है उनको पूरा करता है. ये खास जरूरत, वो नाम हमारी कोई ना कोई जरूरत को पूरा करता है. And so in this verse of Isaiah 9 verse 6, there are many names given. और ऐसे ही यशायाह 9:6 में कई नाम दिए गए हैं यीशु. And we will focus on one, the Prince of Peace. और हम एक नाम पे ध्यान देंगे जो है शांति का राजकुमार. Now when I say peace, जब मैं शांति की बात करता हूँ, this is something. ये कुछ है. That everyone on this earth desires. के हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है, वो चाहता है कि उसे शांति मिले. There is no language to it. उसकी कोई भाषा नहीं है. There is no color to it. उसकी उसका कोई रंग नहीं है. There is no nationality to it. और उसका कोई मानो देश का भी हिस्सा नहीं है. But it is a common desire in every individual's life. पर ये हर एक मनुष्य के मानो एक सामान्य इच्छा है उनके जीवन. When God made man. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब उन्होंने उसे अदन की वाटिका में रखा, losing my peace now. He made him in perfect communion with him. और उन्होंने ऐसे बनाया था कि वो पूरी तरह संगति में थे परमेश्वर के साथ. आदम को ऐसे बनाया था. But then man sinned. पर फिर मनुष्य ने पाप किया. And somehow because of sin, man lost that peace. और इसीलिए आदम जो है वो शांति खो बैठा परमेश्वर के साथ जो थी. And very early in Genesis chapter 4, we see the whole story of Cain and Abel. और बहुत ही जल्द हम केन और हाबिल की कहानी को देखते हैं. There is no peace between them. और उन दोनों के बीच में कोई शांति नहीं. Because of one aspect. एक वजह से. One sacrifice. एक बलिदान के is rejected. और वो जो और वो केन को मानो परेशान कर देता है. Him to murder. और वो उसे मानो हत्या करने पे मजबूर कर देता है. Man lost something when he sinned. और मनुष्य ने कुछ खो दिया जब उसने पाप किया. That was his peace with God. और वो अपनी शांति खो बैठा जो उसके परमेश्वर के साथ. When we lose our peace with God, जब हम खो देते हैं अपनी शांति परमेश्वर के साथ, then we lose peace within ourselves. तब हम अपने अंदर की भी शांति खो बैठते हैं. And we also lose peace with others. और फिर हम एक दूसरे के साथ भी हमारी शांति खो देते हैं. When this connection is broken, जब ये हमारा संबंध टूट जाता है, this connection and the inward connection is also broken. तब हमारा अंदरूनी जो संबंध है और एक दूसरे के साथ संबंध है, वो भी टूट जाता है. No peace in our soul, और कोई शांति नहीं हमारी आत्मा में. And there is no peace with people. और दूसरों के साथ भी हमारी शांति नहीं बन रही. And that's why Jesus came. और इसीलिए यीशु मसीह आए. If you look at the news today, अगर आज आप समाचारों में देखेंगे, I stopped seeing the news. I used to love to see the news, but I stopped seeing. और एक समय था कि मैं बहुत प्रेम करता था समाचार देखने से, पर अब मैंने बंद कर दिया समाचार देखना. प्रेम तो नहीं करता, अच्छा लगता था. Like I would like to know what's going on. और मुझे अच्छा लगता था ये देखना कि क्या चल रहा है समाचार में, क्या हो रहा है. But every news channel that you turn to, पर अब हर एक समाचार का चैनल जो मैं देखता हूँ, you can see there is no peace on the anchor's face also. और आप देख सकते हैं कि जो समाचार बता रहे हैं उनके भी चेहरे पे शांति नहीं है. And it's that time right now which Jeremiah said in Jeremiah chapter 6, they shout peace, peace when there is no peace. और यर्मिया के 6 में जो लिखा गया है, वो ये समय चल रहा है अब कि वो चिल्लाते हैं शांति शांति, पर शांति है नहीं. There is a false peace in this world. और एक झूठी शांति बनी हुई है. It appears to be peace. दिखती है शांति है, but it is not peace. पर वो शांति नहीं है. It does not bring rest to the soul. और ये मानो आराम नहीं लेके आती हमारी आत्मा. It does not bring stability to the mind. और ये स्थिरता नहीं लेके आती हमारे मनुष्य. It does not bring an assurance to the heart. और ये मानो हमें एक assurance नहीं देती, एक
It doesn't do those things. ये करती नहीं है वो सारी बातें। But people are shouting peace, peace. पर लोग चिल्ला रहे हैं मानो शांति शांति। And to the person who understands, और जो व्यक्ति समझ सकता है, the scriptures, और वो जो इन वचनों को देख सकता है, realize how empty they are. और वो समझ जाएंगे कितने खाली है वो अंदर से। And that's the only, there's only one person who can fill that emptiness. और एक ही व्यक्ति है जो उस खालीपन को भर सकते हैं। That's Jesus. वो यीशु मसीह है। And Isaiah would write about it. और यशायाह उसके बारे में लिखेंगे। 700 years before he was born. 700 साल पहले उनके जन्म हुए। कि ये जो बच्चा one day be the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। He always was. वो हमेशा से था। He is. वो है। And he will always be. और वो हमेशा बना रहे। But we have to find him. पर हमें उसे ढूंढना पड़े। He searches, but we find him. वो हमें खोजता है, पर हमें उसे ढूंढना पड़े। When we find Jesus in our lives, पर और जब हम यीशु मसीह को पा लेते हैं, when we search with him and we find him and we accept him as our savior, जब हम ढूंढते रहते हैं, उसको पा लेते हैं, और जब वो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, then that peace of God fills in our hearts. तो वो शांति जो परमेश्वर की है, वो हमारे हृदय को भर देती है। 17 years ago when I accepted the Lord, 17 साल पहले जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, personally I was a very religious person. मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। But I never had peace. पर मेरे अंदर कभी भी शांति नहीं। I would visit temples. मैं मंदिरों में जाता था। For me all religions were one. मेरे लिए हर धर्म एक था। I would visit every religious place. मैं हर धर्म के स्थल पे जाता था। Every religion was open to me. I would accept something good from them. और हर धर्म को मैं अपनाता था, कोई अच्छी बात जो मुझे सीख लेता था। पर मेरे अंदर कोई शांति नहीं। I would feel good after coming out of the religious place, but the emptiness was still there. मैं अच्छा लगता था उस धर्मस्थल पे जाकर वापस आना, पर बाहर आके फिर मुझे वो शांति नहीं मिली। I accepted Jesus. पर जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, next morning, दूसरी सुबह, it was as if somebody has lifted a burden from my head. ऐसे लगा मानो किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया मेरे ऊपर से, और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। All my guilt, मेरी सारी जो गलती थी, मेरी सारी जो शर्म, मेरे सारे जो पाप थे, was taken away in a moment. सब कुछ निकल गया in a moment. एक क्षण by Christ, यीशु मसीह के द्वारा. And so I don't bear that guilt anymore. और अब मैं उस ग्लानी को अपने ऊपर नहीं रखा। I don't carry that burden anymore. मुझे अब वो मेरे ऊपर नहीं है। Neither do you. और आपके ऊपर भी नहीं है वो। But it's surprising. पर ये मानो आश्चर्य करने वाली बात है। Even being Christians, के यीशु मसीह के मसीह होने के बावजूद, we sometimes feel the same way. कि हमें वैसा ही लगता है जैसे पहले लगता है। We still lack peace. हमें अभी भी शांति नहीं महसूस। How is it possible that when the Prince of Peace, the Holy Spirit of Peace, is in a Christian, yet we may lack peace? कि वो राजकुमार जो है शांति का, वो हमारे अंदर है, शांति की आत्मा हमारे अंदर है, तो भी हमें शांति महसूस नहीं होती, तो कैसे मुमकिन? It is possible for a Christian also to lose their peace. और ये पूरी तरह से मुमकिन है एक विश्वासी के जीवन में भी होना। And so we'll touch upon that for a little while. और हम छुएंगे इन इस विषय को थोड़ी देर में। But what is peace? पर ये शांति है क्या? I don't know about you. मैं आपके बारे में नहीं जानता। But if I see someone very peaceful, पर मैं किसी को अगर एक शांति रूप से देखूं, on their face you can see someone who's at peace. उनके चेहरे पे मुझे शांति दिखाई देती है। Kind of attraction. तो मुझे मानो वो आकर्षित करता है। How come they're so relaxed? तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे वो इतने आराम से रह सकते हैं। Like in today's conversation, how come they're so chilled out? और ऐसे मानो ऐसे कह सकते हैं, अरे इतने आराम से कैसे रह सकते हैं? They are cool. ये कोई cool से कैसे? They seem to bother them. और उनको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती। But you see that in the scriptures. पर आप ये वचनों में देखेंगे। And when you look through the gospels, जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, you see it in the person of Jesus Christ. आप देखते हैं यीशु मसीह के चरित्र में बहुत सारी बातें। When you see it in the gospels, और आप उसे सुसमाचारों में देखते हैं। He is in the wilderness. वो उस जंगल में है। And he is tested. उसे परखा जा रहा है। And then the temptation from the devil comes. और फिर शैतान जो है उनके ऊपर लालसाएं फेंकता है। He doesn't lose his peace. पर वो अपनी शांति नहीं खोते। I was thinking about it 40 days. और मैं सोच रहा था इसके बारे में 40 दिन। Without food. बिना खाए। Remember, he came as a man. याद fully a man. याद रखना कि वो एक मनुष्य की तरह आए थे और मनुष्य ही थे। And I thought about how am I when I am tested and tempted. और मैं इसके बारे में सोचता था कि कैसा मेरा चरित्र होता है, मेरा स्वभाव जब my peace or do am I peaceful? जब मुझे परखा जाता है, क्या मैं शांति में रहता हूँ, क्या मैं खो देता हूँ अपनी शांति को, कैसा मैं बना रहता हूँ उसको? Then I see him. फिर मैं उसे देखता हूँ. In the middle of a storm on a boat. फिर मैं उसे देखता हूँ इस तूफान के बीच में, मानो मैं नाव में हूँ और वो आ रहे हैं वहाँ से। No, no, no.
I see him in the middle of the storm in a boat. और मैं उन्हें देखता हूँ तूफान के बीच में नाव के अंदर खड़े हुए। And he's sleeping. और वो सो रहे हैं। In a storm. एक तूफान में वो सो रहे हैं। How? कैसे? How is it possible? कैसे ये मुमकिन है? Would I be at peace? क्या मैं शांति में रह सकता हूँ? On the Sea of Galilee. उस गलील के झील पर। We were in the boat. हम नाव में थे। And the boat was going normal. और वो नाव बिल्कुल शांत थी। And they were like, और अचानक मैं वो मानो हिलने लगी ऊपर नीचे होने लगी मेरा दिल भी ऊपर नीचे हो गया But in the storm, पर तूफान के बीच में do we have storms in life? क्या हमारे जीवनों में तूफान आते हैं How would I do? तो मैं कैसा बर्ताव करता हूँ The garden of Gethsemane. और गेत्सेमनी के बगीचे में Disciples sleep. चेले सो जाते हैं। He's at peace. वो शांति में है। He hears about Lazarus's death. वो सुनते हैं लाजर की मृत्यु के बारे में। Perfect peace. बिल्कुल शांत है। I'm going to wake him up. वो कहते हैं मैं उसे जाके उठाऊंगा। How do those things affect us? वो चीजें हमारे ऊपर कैसे असर लेके आते हैं? You know the people who came to arrest him? जानते हैं वो लोग जो उसे पकड़ने के लिए आए How was Jesus? यीशु मसीह कैसे थे? Relaxed, peaceful. वो बिल्कुल शांत थे. How was Peter? पतरस कैसा था? मानो उसने पूरी तरह से गुस्से में आके वो सैनिक का कान काट दिया. Malchus is here, cut off. Malchus का कान काट दिया. There is a picture. और यहाँ पे चित्र है. Christ, यीशु मसीह, but not Peter, and us. और पतरस. The second picture of us is some ran away, right? और दूसरा चित्र है कि कुछ उसमें से भाग गए. That's us. वो हमारा चित्र है बट यू लुक एट क्राइस्ट पर आप यीशु मसीह को देखिए और एंड नथिंग सीम्स टू बॉदर हिम और उनको कोई भी चीज मानो फर्क नहीं पड़ती हाउ इज दैट पॉसिबल वो कैसे हो सकता है सेकंड आई वांट टू थिंक और दूसरी बात मैं ये सोच रहा हूं पॉसिबल फॉर मी क्या ये मेरे लिए भी मुमकिन है मे बी नॉट इन दैट कैपेसिटी शायद उस क्षमता में नहीं बट इट श्योर इज पर वो निश्चय ही मेरे अंदर भी हो सकता है जीसस सेड और यीशु मसीह ने कहा In Psalm 119:165, it's written by the Holy Spirit. The Psalm it says, "Great peace have they who love Thy law, for nothing shall cause them to stumble." और भजन संहिता 119 और 165 ये बताता है, ये वचन हमें बताता है कि जिनके मन में वो सिद्ध वचन रहता है, उनके अंदर वो शांति। वो जो तेरी वाचा से प्रेम करते हैं, उनके अंदर अत्यंत शांति होगी, और कोई भी चीज़ में वो लड़खड़ा के गिरेंगे नहीं। कोई भी सिचुएशन कोई भी चीज उनको लड़खड़ा के गिराएगी इट्स एन अमेजिंग वर्स और ये बहुत ही अद्भुत पंक्ति है इन द न्यू टेस्टामेंट और नए नियम में द वर्ड फॉर पीस इज आइरीन ई आई आर ई एन ई और जो शब्द है शांति के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है आइरीन इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज इनसाइड नॉट आउटसाइड और उसका अर्थ मानो ये होता है जो अंदरूनी रूप से बाहरी रूप से नहीं मींस नॉट हैप्पीनेस मानो के कोई खुश होना नहीं बट इनसाइड पर अंदरूनी रूप से देयर इज अ कॉन्फिडेंस पर अंदर से एक मानो एक कॉन्फिडेंस है रेस्ट और आराम है अश्योरेंस और हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं डीप इनसाइड योर हार्ट हृदय की गहराई हो बिकॉज़ जीसस इज देयर क्योंकि यीशु मसीह वहां पे है इट्स एन इंटरनल कंडीशन व्हिच इज ट्रस्टिंग इन जीसस फॉर एवरी सिचुएशन इन लाइफ ये मानो अंदरूनी बात है कि जो हम यीशु मसीह पे भरोसा रख रहे हैं हमेशा के लिए अनंत काल के लिए दैट्स व्हाट इट मींस और यही इसका अर्थ है देन वी कैन थिंक अबाउट और हम इसके बारे में सोच सकते हैं इन जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना 14 में Verse 27. और 27वीं पंक्ति Jesus said, यीशु मसीह ये कहते हैं, My peace I give to you. वो कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. Not as the world gives. वैसे नहीं जैसे कि ये दुनिया देती है. That kind of peace I give to you. मैं एक अलग तरीके का शांति. Let not your heart be troubled. वो कहते हैं, तुम्हारे हृदय परेशान ना हो. Neither let it be afraid. और उन्हें और घबराओ भी मत. And we said this in the morning. और हमने ये सुबह की सभा में कहा था. Why did he use trouble and fear? क्यों उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए परेशान और डरना? It's because those are the enemy, those are the weapons of the enemy. क्योंकि ये जो है शस्त्र है शैतान के, दुश्मन के. The word troubled means anxious, anxiety, worry. और जो परेशान होने का जो शब्द है उसका ये है मानो हमेशा चिंता में लगे रहना. You know what the word anxiety means? जानते हो इसका मतलब क्या है हमेशा चिंता करते रहना? Very physically choke a person. मतलब जैसे कलाबाद उसको सांस लेने की
क्लास भी नहीं ले सकते ही फिजिकली चोक अ पर्सन यू डोंट डू इट बट आई एम जस्ट सेइंग तो जैसे मानो उस व्यक्ति को जो परेशानी होती है जिसका गला घुट रहा है गला घुट रहा है तो कैसे सांस लेने में तकलीफ होती है दैट्स द वर्ड एंजाइटी तो वही शब्द इस्तेमाल किया गया है उस चिंता के लिए रिमेंबर मैथ्यू 13 ही सेज द सीड वाज सोन But the cares of the world came and choked the word. Same word. और मती 13 में वो शब्द जो लिखा है वहाँ पे कि जो बीज बोया गया पर जो चिंताएं थी दुनिया की वो उसके ऊपर आ गई वहाँ पे वो शब्द है. So the word could not grow. तो वो वचन जो है फल नहीं ला पाया. Same thing, word, same word. तो भी वो वही शब्द यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया है चिंता. Why? क्यों? Now do we get anxious? क्या हम चिंतित होते हैं? Are we troubled sometimes? क्या हम परेशान होते हैं किसी बातों से? And you know what? और जानते हैं क्या? We are very good liars. और हम बहुत अच्छे झूठे हैं. What do you say? तो आप क्या कह रहे हो? I'll explain it to you. मैं आपको समझाता हूँ. You are troubled on the inside. आप अंदर से परेशान हो. And somebody comes and tells you, How are you? और कोई आके आपसे पूछता है, कैसे हो? Fine. और कहते हो, अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं. What did you do? आपने क्या कहा? Lied. झूठ कहा. Oh, it's okay. I understand. I'm not trying to. हमारे ऊपर चिंताएं रहती है like okay. हमें उसका मानो स्वीकार करना पसंद नहीं है लोगों के सामने बताना अच्छा पर, there is a solution. पर उसका एक हल है. Don't have to remain troubled. हमें उस चिंता में बने रहना है. We don't have to keep saying I'm fine when I'm not fine. हमें ये कहने की जरूरत नहीं हमेशा कि मैं ठीक हूँ जब मैं ठीक नहीं. Because every time I say I'm fine when I'm not fine when I walk away from there, that troubled thought comes back again. क्योंकि जब you're not fine, it comes right back in your mind. You know why? There is an enemy who's saying hi to you. Who said you're fine? Let me bring it back to your remembrance. क्योंकि जिस क्षण आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, वो वापस वो सोच आपके मन में आ जाती है कि तू परेशानी में और वो दुश्मन आपसे ये कह रहा है कि And when we are anxious, when we are worried, और जब हम चिंतित होते हैं, जब हम परेशान रहते हैं बातों के लिए, then we lose our fellowship with God mentally. तो हम संगति खो बैठते हैं हमारे परमेश्वर के साथ. तो Second is fear. और दूसरा है डर. When fear comes in, और जब डर हमारे अंदर आता है, then we lose faith. तो हम विश्वास खो बैठते हैं. I will talk about four things that break our fellowship that break the peace of our peace with God. मैं उन चार चीजों के बारे में बात करूंगा जो हमारी शांति तोड़ देते हैं परमेश्वर के साथ. How many times when we think of situations and circumstances? पर कितनी बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं? We feel that if the situation or the circumstance would change, we would have peace. तो कितने बार हम ऐसे सोचते हैं कि परिस्थिति अगर बदल जाती तो मैं बदल जाता. We all want the circumstances to change. और हमें सब कुछ चाहिए. We all want that particular situation to change. हम चाहते हैं कि कई परिस्थितियां हमारे जीवन की जो है वो बदल. We know that God can do it, right? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कर सकता है. We know. हम ये जानते हैं. Can God change our situations? क्या परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है? Can God change our circumstances? क्या परमेश्वर हमारी हाँ क्यों नहीं क्योंकि But many times we find out that he doesn't do it. पर कई बार हमें ये पता चलता है कि वो नहीं कर रहे हैं सर. You know why? जानते हैं क्यों? He's not so interested in the circumstance. क्योंकि वो इस बारे में चिंतित नहीं कि आपकी परिस्थितियाँ क्या है. He is more interested in me and you. क्योंकि उनकी दिलचस्पी इसमें है कि आप और more than changing the circumstance, he wants to change you and me. वो परिस्थितियाँ बदलने से ज़्यादा ये चाहते हैं कि आप बदलें. So okay, that light. Why? क्यों? Because when we change, when God changes us. क्योंकि जब परमेश्वर हमें बदलते हैं. The change is always Romans 8:29. It is into the image of His Son. क्योंकि ये हमेशा रोमियो 8:29 होता है हमारे साथ. वो हमें अपने पुत्र की छवि. The only change that God wants us to do is to become more like His Son. और वो एक ही बदलाव जो हमारे अंदर वो लेके आना चाहते हैं कि वो अपने पुत्र की छवि में हमें बनाना चाहते हैं. There is no other change. क्योंकि और कोई बदलाव है ही. It's always to become more and more like His Son. और ये और कोई बदलाव है ही नहीं, सिर्फ यही है. How does God do it? ये कैसे करते हैं? How does He do it? वो कैसे करते हैं? Through His Word, Psalm 119:165. और भजन संहिता 119:116 में उनके वचनों के द्वारा. Through His promises, John 16:33. और यूहन्ना 16:33 में वो अपने वादों के द्वारा. Philippians 4:6-9. और फिलिपियों 4:6-8 में अपने प्रार्थनाओं के द्वारा वो ये करते हैं. And then it's the fruit of the Spirit. Remember that. और ये Galatians 5:22. आत्मा का फल है. It is always 5:22 में.
And so when we are in the church, और जब हम कलीसिया में हैं, when I am in the Bible, और जब हम बाइबल में हैं, then God speaks to me. तो परमेश्वर हमसे बात करता है. Holy Spirit speaks to my heart. तो पवित्र आत्मा मेरे हृदय से बात करता है. He wants me to focus on what is being said. वो चाहता है कि मैं ये ध्यान दूँ कि क्या कहा जा रहा है. Because in every situation, क्योंकि हर एक परिस्थिति में, God will give you the answer. परमेश्वर आपको He speaks to your heart. वो आपके हृदय से बात करता है. How will He speak? वो कैसे बातें करेंगे? Okay, here's an issue. Okay, can you एक उदाहरण है. I'm going to do something. Here, just preach. Okay, here's an illustration of how the Holy Spirit speaks to you in a church service, in a Bible college class, or maybe when you're reading the Bible. Okay. तो इस तरीके से मानो पवित्र आत्मा आपसे example is preaching, is the pastor is preaching. ये पासबान है मानो जो प्रचार कर रहे हैं. And I'm going to do what the Holy Spirit says in your heart. तो मैं ये करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा तो आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते वो पीछे रहो. He will speak and then I will say something. You don't stop if I say something. मैं बात नहीं करूँगा. Alright, go ahead. Just preach whatever. So the love of God. Hi, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है. Is one that changes us. और परमेश्वर इस प्रेम से तुम्हें चेंज करे. God wants to change. It's something that we can't exactly put into a box. Exactly. And you know, you think about that. God loves us unconditionally. Remember that God always loves you. I mean, when you think of love, you're like, okay, I will love him if he does something for me. That's not God's love. Remember that. Conditions apply. I mean, you have a 50% sales only on selected items. That's right. But when we're talking about the love of God, it's I love you always. That's how it should be. Remember, this is how you should love God. And that is what motivates us. You understand now? So when the preacher is preaching or when you are hearing, तो जब एक प्रचारक प्रचार कर रहा है वो बात Holy Spirit says from inside these things. तो पवित्र आत्मा वो अंदर से बात कर रही है. Listen to what he says. और वो कहती है सुनिए. When the verse is quoted, he says this verse is for you. वो जब वचन सारी ना वो कहता है आप से आज हर से रीमा रीम. That's what the rima is. और जब हम वो कहते हैं कि ये रीमा God brings it alive. व्यक्तिगत शब्द आपके लिए. That's why we are sharp and ready. तो इसीलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं सुनने के. How do I get peace in my life? कैसे मुझे शांति मिलती है मेरे जीवन में? Holy Spirit speaks. He is personal. He is interested in you. पवित्र आत्मा मुझसे बातें करती है. वो मुझ में दिलचस्पी रखती है. वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातें करती है. Four things break our peace. चार चीजें हमारे शांति को तोड़ देती है परमेश्वर से. पाप, anxiousness, anxiety, और चिंता करना किसी चीज के लिए. Fear, डर, and selfishness, और स्वार्थी होना. Four things. चार चीजें. These four things will always rob a believer of peace. और ये जो चार चीजें हैं वो हमारे मन शांति को छीन लेती है परमेश्वर में. पाप, anxiousness, चिंता करना. Fear, डर, and selfishness, और स्वार्थी होना. All these four. ये चार चीजें. When I sin, जब मैं पाप करता हूँ. Or you sin, या आप पाप करते हैं. When we all sin, जब हम सब पाप करते हैं. We break up fellowship. तो हम अपनी संगति तोड़ देते हैं. The first thing we lose is the internal peace. और वो जो पहली चीज हम खो देते हैं वो हमारी अंदर की शांति. Sin breaks the fellowship. अंदर की शांति हमारी तोड़ देती है पाप जो है. It breaks our fellowship with God. वो हमारी संगति तोड़ देती है प्रभु. That's why we lose our peace. और इसीलिए हम अपनी शांति खो बैठते हैं. Remember David said. जानते हैं दाऊद ने पाप किया. What happened to him after that? उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? He lost his peace. वो अपनी शांति खो बैठा. When he sinned with Bathsheba, he could think of a plot to kill Uriah. और जब उसने बाथशीबा के साथ पाप किया, तब उसने वो योजना बनाई कि और यूरिया को मारने की सोच उसके अंदर कहां से? वो परमेश्वर के साथ नहीं सोच. Broken fellowship. उसने संगति तोड़ दी थी परमेश्वर. And then what was the next step? और उसके बाद वाला कदम क्या हो गया? He is not even talking to God. और फिर उसके बाद उसने मानो बातचीत करना बंद कर दिया प्रभु. Nathan has to come and restore. और नाथान को आना पड़ा उस कहानी में. That's what my problem is. और यही वो परेशानी है. Sin breaks the fellowship. और पाप जो है वो उस संगति को तोड़ता है. But to the believer, और जो विश्वासी है, we need to pray. और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और पश्चाताप और त्याग देना है उस पाप को और उस संगति को जो है प्रभु के साथ उसे जोड़ लेना. God never takes away his peace from you. परमेश्वर जो है अपनी शांति आपसे कभी नहीं लेते. He will never take it away. वो कभी नहीं लेते आपसे अपनी शांति. Your sin may surprise you. आपका पाप आपको आश्चर्यचकित कर देता है. It doesn't surprise God. पर परमेश्वर को कभी आश्चर्यचकित नहीं करता. He's always there. वो हमेशा वहाँ पे है. Turn to John chapter 13 verse 36. और यूहन्ना 13 और उसका 36वां पद पढ़ो. I'll read it in English, but in the meantime,
Sangeet will read it in Hindi. You all clear? Chapter kya hai tak padhe? शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच करता हूँ कि मुर्गा बांध देने देगा जब तक तुम लोगों को छोड़ के जाने और पतरस कहता है, I will lay down my life for you. पतरस कहता है, मैं अपने लिए तेरी जान भी दे दूं। By the way, और वो read the Gospel of Mark, you find out it was not only Peter, all of them said we will lay down our lives. और जब आप मार्क मरकुस यीशु समाचार पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि पतरस ने नहीं पर सारे चेलों ने ये बात कही। Jesus answered, will you lay down your life for me? यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे दोगे? Before the rooster crows three times you will deny me. मुर्गा बांध दे उसके पहले तुम तीन बार मुझे नकार चुके हो। Here. और यहाँ पे is one of the most unfortunate breaks in the scripture. और यहाँ पे एक बहुत ही मानो जो होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। पुराना नियम जो when the old and new testament were written, there was no chapter and verses. और ये it was written one shot. और like a letter. और जो बाइबल लिखी गई थी वो पूरी एक तरह से लिखी गई थी, उसमें कोई विभाजन नहीं था। Like अध्याय और शीर्षक और वर्स ऐसा कुछ नहीं था। So if you read this, तो जब आप ये पढ़ते हैं, you will see the answer of Jesus to the same thing in John 14 verse 1. और इसका उत्तर देखेंगे तो वही many times we stop at John 13 we think John 14 is the same, is a different chapter. No, it's a continuation of the same conversation. और कभी-कभी हम 13वें वचन को पूरा पढ़ के ऐसा सोचते हैं 14 और दूसरा वचन है, will you lay down your life for me? I say to you, a rooster will not crow until you deny me three times. But do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. तो ये एक साथ ही पढ़ना है 13 के बाद जब खत्म होता है 14 पे वो कहता है Jesus saying, वो ये कहते हैं will deny him, तुम मुझे नकारोगे but don't get anxious, पर उसके लिए व्याकुल ना होना, believe in me, मुझ पे भरोसा रखना, I go prepare a place for you, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूँ। He knew Peter was going to fail. वो जानते थे कि नाकाम होगा। Before he would fail, और उसके पहले के पतरस नाकाम होगा। He would give him a promise. उसने पहले ही एक वादा दे दिया। He would comfort him. उसने उसे सांत्वना। He would give him peace. उसने उसे शांति दी। Hey, you will deny me. तुम मुझे नकारोगे। But don't let your heart be troubled. पर तुम्हारे हृदय को जो है व्याकुल ना हो। For the first time, I was like, wow. और मैं पहली बार इस This is not a different chapter. It's the same conversation going on. और ये कोई अलग अध्याय नहीं है 14वां। ये वही वहाँ से परमेश्वर बात कर रहे हैं। Only Jesus could do that. और सिर्फ यीशु मसीह ये बात कह सकते हैं। Peter, you're going to deny me, but don't let your heart be troubled. पतरस, तुम मुझे नकारने वाले हो, पर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। What's he saying? और वो ये क्या कहना चाहते हैं? तुम पाप करोगे। You will sin. तुम पाप करोगे। Lose your peace. तुम अपनी शांति खो दो। Don't get anxious. और चिंता मत कर। Repent, get right with God and come back into fellowship. पश्चाताप करना, परमेश्वर के साथ सीधे हो जाना और वापस चलना। Why? Because I have a greater purpose for you. क्योंकि मेरा एक बड़ा मकसद है। Peter forgot this verse. और पतरस ये भूल चुका है। And he went back fishing. और वो वापस मछली पकड़ने। He went back shipping, but he went back fishing. और वो वापस मछली पकड़ने चले गए। And Jesus had to come call him back and remind him the same thing. और यीशु मसीह को उसे वापस बुलाना पड़ा वहां से और वापस वो बातें याद दिलानी पड़ी। Because there was a purpose. क्योंकि वहां पे एक मकसद था। He has to preach the gospel. क्योंकि उसे सुसमाचार। Because he's troubled of what he did with Christ of his failure, he will never preach the gospel. He's scared. क्योंकि he's lost his peace. क्योंकि वो व्याकुल हो चुका है, डर चुका है, परेशान हो रहा है जो उसने किया है नकारने के बाद प्रभु यीशु मसीह को, तो वो प्रचार नहीं कर पाएगा। Sin robs us of that peace. और पाप जो है हमारे से वो छीन लेता है। But Jesus Christ never stops his peace. पर यीशु मसीह अपनी शांति हमसे कभी Turn back. He has a purpose for you. पश्चाताप करो, वापस मुड़ो, परमेश्वर से सीधे चलने लगो। और दूसरी बात वारी। चिंता करना। Anxiety. व्याकुल होना। Are we, does it happen to us? क्या ये हमारे साथ होता है? Of course it does. हाँ, ये बिल्कुल होता है हमारे। We are real people, right? हम सच में व्यक्ति हैं। If I pinch him, it hurts. अगर वो मुझे चिंता काट रहा है तो मेरा दर्द। But if I pinch him, it hurts. It hurts us. तो
तो वो अगर मुझे चिट्ठी काटे तो मुझे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहता है हमारे मन। There is something in each one of us hearts or minds right now। अभी भी हमारे इस क्षण भी हमारे मन में हमारे दिल में कुछ ना कुछ चल रहा है। That is the cause of concern। कि जो हमें चिंता लेके आ रहा है। That's the cause of worry। जो हमें सोच रहा है। We may not admit it। आप शायद इसे स्वीकार नहीं करें। But deep down there is something that bothers us। कहीं गहराइयों में हमें कोई ना कोई बात हमेशा चिंतित करती रहती है। How do you know? कैसे तुम्हें कैसे I don't। मुझे नहीं पता। But I know that it bothers us। और हम ये जानते हैं कि I don't know what it is। और मैं ये भी नहीं जानता कि वो क्या है। But Jesus does। और यीशु मसीह जानते हैं। It may be big, it may be small। वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। It could be something because of which you don't get sleep in the night। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हें रातों में नींद नहीं आती। It could be something which makes you angry very quickly। और वो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे तुम्हें गुस्सा आने लगता है। It could be something that brings you to tears very quickly। और क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। It could be something that makes you worry। I do not know what it is। मैं नहीं जानता वो क्या बात है। आप अपनी चिंताएं हैं आपके पास, मेरे पास अपना हिस्सा है। But you know what worry does? पर क्या जानते हो क्या चिंता कर चिंताएं लेके आता है? वो हमारे हमारे विश्वास को ले लेता है। When I worry, I don't have place for faith। जब मैं चिंतित होता हूँ तो मेरे पास विश्वास नहीं है। I have no place, I have no scope for faith। मेरे अंदर जो है विश्वास की कोई जगह नहीं बची। Peace is choked out right now। क्योंकि वो जो शांति है उसको मानो पूरी तरह से गला घोट दिया गया है। उसका choked out right now। उसका गला घोट दिया गया है उस शांति का। और मैं एक जोक कहूंगा। There was a man। एक व्यक्ति था। He was very anxious। और वो बहुत ही मानो चिंतित रहता था हमेशा। Those who have heard it can laugh louder। जिसने सुना है वो और जोर से हंस As if you're hearing for the first time। Okay, so there was a man who was very anxious, very troubled। और एक व्यक्ति था वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा चिंतित था उस समय में। He was up and down walking in his bedroom in the night। और वो मानो चलते रहता था अपने बेडरूम कमरे में। रात को चल रहा है, he is walking up and down, his wife is getting troubled। यहाँ चल रहा है, चलते जा रहा है। She can't sleep। और वो सो नहीं पा रही। Walking up and mumbling and saying something and he's walking up and down। और वो मानो कुछ ना कुछ अपने मन में कहता जा रहा और चलते जा रहा है। Finally it is 3 o'clock in the morning। और फिर मानो अंत में 3 बज चुके हैं सुबह के। He gets very upset। वो बहुत परेशान होकर उससे कहता है, What's wrong? वो कहती, क्या हुआ, क्या गलत है? So he says to her। और वो कहता है, You know this neighbor of ours, Sam। और तुम जानते हो ये जो अपना पड़ोसी है सैम। I took a loan from him। मैंने उससे एक उधार लिया था। I took a loan from him, 5 lakh rupees। और मैंने उससे 5 लाख उधार लिए थे। And I have to pay him tomorrow। और मुझे उसे कल देने हैं वापस। And I don't have one single rupee। तो मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। How will I pay him 5 lakhs? तो मैं उसे कैसे 5 लाख रुपए दूंगा? So the wife got up। तो वाइफ उठी, उसकी पत्नी उठी। She opened the window। उसने खिड़की खोली। And she shouted, Sam! और उसने चिल्लाया, Sam! Calling out the neighbor। और Sam उस पड़ोसी को बुलाया, Sam! उसने कहा, Sam! उस पड़ोसी। Sam got up। And Sam उठा, बिचारा। Opened the window and said, What is it? और वो नींद से उठकर उसने मानो अपनी खिड़की खोली और कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? You know that the money that my husband owes you। के जानते हो वो जो पैसा मेरे पति ने तुमसे उधार लिया है? 5 lakhs। 5 लाख रुपए। And he has to return it tomorrow। और उसे कल तुम्हें वापस देना है। So, yeah, remember। और वो मानो नींद में कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे याद है। कहो क्या? He doesn't have it। वो कहती है उसके पास है नहीं वो पैसे। And then she shut the window। और फिर वो खिड़की बंद करके सो जाती है। And she told her husband। और फिर उसने अपने पति से कहा। Now he will worry, you sleep। और वो चिंता करेगा, तू सो जा। In the scriptures, और वचनों में, 1 Peter 5:7, पहला पत्रस 5:7 कहता है। That is what the scriptures say। यही हमसे वचन भी कहते हैं। Cast your cares upon the Lord। वो कहता है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो। He cares। क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। You open the window and shout। तुम अपने खिड़की को खोलो घर की। But your God is in sleep। पर आपके परमेश्वर सो नहीं रहे। The keeper of Israel neither sleeps nor slumbers, the scripture says। वो कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर ना उठता है और ना ना वो सोता है, ना झपकी मारता, ना वो झोंके लेता है। He has a personal concern for you। उनका एक व्यक्तिगत मानो आपके लिए चिंता। We need to roll over our worries to him। वो आपको अपनी चिंताएं उनके ऊपर डालने की जरूरत। The word cast means roll over। और जो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि उनके ऊपर डाल दो, इसका मतलब है
के और ये वो शब्द का अर्थ है उनके ऊपर डाल दो मैंने इसका नाम लिया क्योंकि इसका नाम प्रभु है ये परमेश्वर की तरह So what does it mean casting my cares upon him? तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी चिंताएं It's like my worries. ये मेरी चिंताएं actually means roll over. और ये शब्द ये है कि उनके ऊपर डाल दो. Not a good enough. He dropped my cares on me. ये अच्छा उदाहरण नहीं था. मतलब ठीक से. Okay, we'll do it again. तो ये मानो ऐसा है ये शब्द है कि अपनी चिंताएं उन पर डाल दो God won't drop it और परमेश्वर आपकी चिंताओं को नहीं गिराएंगे He cares वो आपको ध्यान रखते हैं That's what 1 Peter 5 7 says और ये ही पहला पत्रस 5 7 And we laughed at that story right? और हम हंसे उस जोक पे जो हमने कहा But that's exactly what God wants us to do पर वही है जो परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है I don't have it I cannot get it it's a trouble for me just cast it unto the Lord और roll it over और परमेश्वर को कहते हैं कि मेरे पास नहीं है Now it's his concern प्रभु कहते हैं मुझ पर डाल दे Psalm 55:22 says cast your cares upon the Lord there it says he sustains you और वहां पे भजन संहिता 55:22 में ये कहता है कि तू अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि वो तुझे संभालेगा you know why we lose our peace जानते हैं हम अपनी शांति क्यों खो बैठते हैं because we are good in rolling this over to other people क्योंकि हम ये चिंताएं जो दूसरों पे डाल देते हैं instead of giving our concerns and anxieties to God we give it to other people क्योंकि अपनी चिंताएं अपनी परेशानियां प्रभु को देने से अच्छा दूसरों को दिस यू प्लीज प्रे बट आई नेवर गिव इट टू गॉड और मैं दूसरों से जाके कहता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो मेरी ये चिंताएं हैं पर कभी भी आई शेयर विद अ फेलो बिलीवर एंड इट्स टू प्रे विद मी इट्स गुड और मैं किसी अपने विश्वासी भाई बहन से बताता हूँ ये चीजें वो ठीक है अच्छी बात है wrong. वो गलत नहीं है with the pastor and of course the people in the church pray that's good मैं अपने पासबान से जाके बताता हूँ पैसे से बताता हूँ ये कोई गलत नहीं है इसमें कर सकते हैं but I never give it to God पर कभी भी परमेश्वर से जाके नहीं कहता हूँ I don't care for you the way Jesus cares for you मैं वैसे चिंता नहीं करता हूँ जैसे यीशु मसीह चिंता of course I care मैं तुम्हारी पासवान चिंता कर रहा हूं ट्राइंग टू से और ये क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए बिकॉज़ आई डोंट हैव द सॉल्यूशन ही डस क्योंकि मेरे पास हल नहीं पासवान के पास उसका हल नहीं है ही हैज अ पर्सनल इंटरेस्ट उनको ध्यान ही ऑलवेज हैज टाइम फॉर यू उनके पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है और इज ऑलवेज गॉट टाइम फॉर यू परमेश्वर के पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है होल योर कंसर्न्स ओवर उन अपनी जो सारी चिंताएं उस पर डाल दो व्हेन यू डू जब आप ये करते हैं you will see you will be able to walk by faith आप देखेंगे आप जानेंगे कि आप विश्वास से चल सकते हैं so many worries here where is the chance for faith to come in जब यहां पे बहुत सारी चिंताएं लेके बैठे हो तो विश्वास की जगह कहां पे है थर्ड तीसरी बात fear what will happen tomorrow कल क्या होगा what will happen to my family members मेरे परिवार वालों का क्या what will happen to my son what will happen to my daughter how will we grow how will we do this और वो शांति का कार्य है हमारे जीवन में जो हमारे योहन्ना 15 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे as long as I abide in Christ as long as I follow Christ then fear has no place जब तक मैं यीशु मसीह में बना हूं और यीशु मसीह के वचन मुझ में बने हैं और डर की कोई जगह नहीं रहती fourth selfishness और चौथी बात स्वार्थी What do you mean selfishness इसका मतलब क्या है स्वार्थी बना we are on the earth हम जो है इस धरती पर हैं we have life हमारे पास जीवन है family और हमारे पास एक परिवार हमारे पास काम है जॉब वी लिव हम कार्य करते हैं काम करते हैं हम जीते हैं वी हैव थिंग्स इन लाइफ हमारे परिवार है हम थिंग्स दैट वी लिव फॉर वी वर्क हार्ड टू मेक अ लिविंग और कई चीजें ऐसी है जो हम पूरा करने के लिए उसके लिए काम करते हैं हमारे परिवार वालों के लिए चीजें लेके आना बट वी नीड टू रियलाइज हमें ये समझने जरूरी है ऑल दोस थिंग्स डोंट कम फर्स्ट इन माय लाइफ
ये सारी चीजें पहला स्थान नहीं मेरे जी. God comes first in my life. पहला स्थान परमेश्वर का. There can be a time when I can become so occupied with me, my family, my work that God takes a second place. कहीं कहीं पे ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कामकाज पहला हो जाए. What happens in that situation? ये क्या होता है जानते हो? I put something before God. मैं कुछ चीजों को परमेश्वर के पहले रखा. God is no longer first. परमेश्वर अब पहला स्थान नहीं. I begin to live life for myself first. और मैं अपने आप के लिए जीने लगा हूँ. For my family. मेरे परिवार के. I'm so occupied doing the things, taking care, running around, everything. That God suddenly becomes second. मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ सारी चीजों में. Sometimes people will say, I will let me work all my life and when I retire, then I will serve God. कई कई बार लोग ये कहते हैं कि पहले मुझे काम कर लेने दो, अपने परिवार को पेट भर लेने दो, फिर उसके बाद में. Like I'm giving leftovers to God. रिटायरमेंट में मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा. But we are not that way. और हम ऐसे नहीं है बच्चा. When I substitute God for something else. जब मैं परमेश्वर की जगह किसी और को. When I become selfish and I'm living for my own self first. जब मैं स्वार्थी बन जाता हूँ और अपने आप के लिए पहले जीने लगता हूँ. You will lose your peace. तो फिर आप अपनी शांति खो बैठे. You will not find peace in what you are doing. तो आप अपनी शांति. You think you are. आप शांति नहीं पाएंगे उन चीज़. You never thought of this, right? आपने कभी ऐसा सोचा नहीं. But that's the key. पर ये ही है. This is something that slips in so easy and don't even know it. और ये इतनी आसानी से हमारे जीवन में आ जाता है कि हम. If selfishness comes in, if you begin to live for ourselves rather than living for Jesus, then we will lose our peace. और स्वार्थी हो जाते हैं हम और अपने आप से. Paul says in 2 Corinthians 5 verse 10, "Our ambassadors for Christ." और दूसरे कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के जो है राजदूत हैं. That doesn't happen when you finish graduating Bible college. That begins the day you are saved. और वो हम राजदूत बनना तब नहीं होता जब हमारी बाइबल स्कूल खत्म हो जाती, पर उसी क्षण जिस क्षण हम बचाए गए उसी क्षण हम राजदूत. दैट मोमेंट. और वही क्षण you become an ambassador for Christ. आप राजदूत बन जाते हैं. I am not saying leave everything and become a missionary or a pastor. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मिशनरी बन जाओ, एक पास्टर बन जाओ. God calls you, then do it. Don't even look back. परमेश्वर की बुलाहट है तो जरूर निश्चय कीजिए ये सारी बातें. Don't worry about the pay package. और उसके बारे में मत सोचना कि मुझे क्या मिलेगी, तनख्वाह क्या होगी. Don't worry about it. इसके बारे में मत सोचना. The richest man in this whole universe is your father, so forget about the pay package. जो सबसे रईस है इस सब पूरे ब्रह्मांड में वो तुम्हारा पिता है प्रभु. Forsake selfishness. और त्याग दो ये स्वार्थी को. स्वार्थीपना जो है उसे त्याग दो. Live for Christ. यीशु मसीह में जी. Keep him first. उन्हें पहला स्थान दो. If you do whatever we do. अगर आप वो करें जो कुछ हम करें. Whatever we do. हम जो कर रहे हैं. I don't want to say you and me, but whatever we do. जो कुछ हम सब कर रहे हैं वो करें आप. And Christ is not number one in it. पर यीशु मसीह पहला नहीं है आपके. Like his priority is not our priority, we will never have peace. तो उनकी जो चीजें हैं वो आपके लिए पहले नहीं आती, पर और चीजें पहले आती हैं. Rearrange your priorities. और अपनी जो सारी जरूरतें हैं उनको फिर से सोचो. Rearrange. उनके बारे में सोचो फिर से. But it's difficult. पर ये बहुत ही मुश्किल है. Make no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Rearrange. उसे फिर से यीशु मसीह को पहले. यीशु मसीह के वचनों से लगे रहो. कलीसिया में लगे रहो. और उनके जो मिशन्स के काम है उसमें. Gather, go for soul winning. जाइए आत्मा जीतने. I don't care where you are, what you are doing. मैं ये नहीं. I do care, but I'm trying to see the point. मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. Make sure your spiritual health is good first. ये बात याद रखना कि तुम्हारा जो आत्मिक स्वास्थ्य. Your spiritual health is more important than anything else you do in your life. तुम्हारा आत्मिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर कोई चीज़ से. If you are not healthy spiritually, you will never be healthy in any other way. आत्मिक रूप से अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम कुछ भी करो. Spiritual health is more important than anything else in life. आपका आत्मिक स्वास्थ्य जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी. Don't replace it with anything else. उसको किसी और चीज़ से बदल. Substitute it. उसे बदल मत लेना. And no matter where you are placed. और जहाँ पे आप हो. No matter how long your working hours are. और कितना आप काम कर रहे हो. You can always find time for the word. आप समय निकाल सकते हो वचनों के लिए. You can always find. आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 100% आप समय निकाल सकते हो बाइबल पढ़ने के लिए. You can. आप कर सकते हो. You can find time for prayer. No question about it. आप कर सकते हैं इसका कोई. You can find time for soul winning. No question about it. आप समय निकाल सकते हैं आत्मा जीतने के लिए. You can do it.
और परमेश्वर आप कर सकते इट्स अ डिजायर आपकी एक इच्छा होनी चाहिए इफ द डिजायर इज नॉट देयर अगर इच्छा ही नहीं है आस्क गॉड तो यीशु मसीह से मांगो गिव इट टू यू वो आपको देंगे इट्स नॉट फॉर स्पिरिचुअल पीपल और यू नो हाई फ्लोन पीपल डिजायर इट्स फॉर एवरीवन और ये आत्मिक या कोई हाइपर स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है पर ये सबके लिए ये बात है इट्स अदर हाउ डू आई कीप दिस पीस दैट आई हैव तो फिर मैं कैसे इस शांति को बनाए रखूं जो मेरे में है व्हेन क्राइस्ट व्हेन वी वर सेव्ड जब हम बचाए गए Holy Spirit came into our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आई. He's the Spirit of peace. वो शांति का आत्मा है. The fruit of the Spirit is peace. और जो फल है आत्मा का वो शांति. Peace is there. वो शांति हमारे अंदर है. But sometimes we don't experience it. पर कभी-कभी हम उसका अनुभव नहीं करते. The question is. तो ये सवाल ये है. How do I experience this peace? तो कैसे इसका अनुभव करूँ? In the last 5 minutes of the service, we pay attention. और ये अंत के 5 मिनट बस ध्यान रखिएगा. Turn to Philippians chapter 4. और फिलिपी 4 की ओर मुड़े. Verses 6, 9. और 6 से 9 तक. How do I experience this peace? कैसे मैं इसका अनुभव करूँ शांति? What do I do? मैं क्या करूँ इसके? Because this worry doesn't seem to go. क्योंकि ये चिंता जो है मुझसे बाहर नहीं निकलती. It doesn't go. वो जाती है one worry goes another one comes एक चिंता चली जाती है दूसरी आ जाती है right one fear goes another one comes एक डर निकल जाता है दूसरा डर आ जाता है so how do I protect myself तो कैसे अपने आप की सुरक्षा Philippians 4:6-9 is the answer फिलिपियों का 4:6-9 इसका उत्तर है what does he say और वो क्या कहते हैं be anxious for nothing वो कहते हैं कि किसी बात के लिए व्याकुल ना होना चिंता मत करो चिंता मत करो अरे how is it possible how can it be one सुख करते रहेगा नो चिंता अब मैजिक है क्या पर मुझे ये पता नहीं कि कैसे मैं रोकूं अपने आप को चिंता करना। First Peter 5:7 पहला पत्रस 5:7 Act by faith विश्वास से मानो। First point is worry about nothing। वो कहते हैं चिंता किसी भी बात पहला point पहली बात किसी भी बात की चिंता worry about nothing किसी भी बात की चिंता मत Then what do I do? तो फिर क्या करूं? Cast your cares upon the Lord। तो फिर यीशु मसीह पे Act by faith विश्वास से चलो। Do you think if you give your worry, your concern to Jesus, then He can handle it? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चिंताएं अपनी परेशानियां यीशु मसीह पे डाल दोगे तो वो उसे संभाल लेंगे हाँ या नहीं हाँ या ना शर्मा से लाइक दिस मे बी शायद यस और नो हाँ या ना द वे यू सेड यस शोज हाउ मच यू गिविंग जिस तरीके से आप बोल रहे हो पता चल गया कितनी चिंता दे रहे हो उसको अपने पास रखिए मैं संभालूंगा मेरे जीवन को मैं आई विल टेक केयर ऑफ माय वरीज Well, God so much is so busy. मैं क्यों उनको परेशान करूं वो तो पहले से इतने व्यस्त हैं। That's the reason why Paul wrote the first thing, be anxious for nothing. और इसका एक कारण है कि पॉलस ने इसे ऐसे लिखा है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। Because we are good in being anxious for everything. क्योंकि हम बहुत ही इसके अंदर माहिर हैं। And we are not good in casting our cares upon God. और हम इसमें तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं कि अपनी चिंता परमेश्वर की। We think I can handle it. If I cannot handle it, then my brother or sister can handle it. If they cannot handle it, let's go to the pastor. He can handle it. He will give us some solution. आपको परमेश्वर को ही अपनी सारी चिंता है। And of course we seek wisdom and we find out a solution from the elders and people who are mature in the faith. Of course we do that. और हम ये करते हैं, हम बुद्धिमता पाते हैं और परिस्थितियों में खोजते हैं ठल को और करते हैं सारी चीजें। This is in everything by prayer and supplication. और वो कहते हैं सारी बातों में प्रार्थना करते हैं। What is the word supplication? What word क्या है? निवेदन. You know what supplication means? By everything he's saying. Okay, this is point number two. First is worry about nothing. Second is pray about everything. प्रार्थना और विनती के बारे में. Okay, so पहला point ये है कि किसी बारे में चिंता मत करो. दूसरा point है हर बात के बारे में प्रार्थना करो. You know what supplication means? और निवेदन और प्रार्थना निवेदन क्या है जानते हो? Small little details which no one is bothered about. और छोटी-छोटी बातें जिसके बारे में किसी को कोई परवाह नहीं. बड़े busy big advertisements.
हम देखते हैं बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट सब बॉटम इट कंडीशंस अप्लाई नोबडी सीज दैट और एकदम छोटे में लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट के नीचे के इसके शर्तें लागू है वी वांट टू गेट बात लिखा 50% ऑफ तो वहाँ पे 20% इधर गिविंग ओनली 20% जस्ट कंडीशंस अप्लाई वहाँ पे आप देखते हो कि 50% सेल लिखा है पर नीचे फिर वो बोलते हैं कि वहाँ पे लिखा है शर्तें लागू व्हाट सप्लिकेशन मींस इज द स्मॉलेस्ट डिटेल वेयर नो वन पेज अटेंशन टू यू रिमेंबर यू प्रे अबाउट इट और वो छोटी छोटी बातें जिनको जो तुम्हें परेशान करती है जो जिसकी कोई परवाह नहीं करता पर आप प्रभु पे डाल सकते हो सप्लिकेशन मींस एवरी स्मॉलेस्ट डिटेल निवेदन मतलब ये है कि छोटी छोटी बातें उसको भी डालो वरी अबाउट नथिंग वो कहते हैं चिंता मत करना किसी चीज की सेकंड दूसरी बात प्रे अबाउट एवरीथिंग प्रार्थना सारी बातों के एवरीथिंग सारी बातों की माय प्रेयर एंड सप्लिकेशन प्रार्थना और निवेदन कास्ट इट अपॉन गॉड परमेश्वर के ऊपर डाल दो थर्ड और तीसरी बात विद थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड और वो धन्यवाद के साथ विनती करो परमेश्वर व्हाट डिड इट से विद व्हाट विद धन्यवाद के साथ थैंक्सगिविंग धन्यवाद धन्यवाद देते हुए राइट डज थैंक्सगिविंग कम नेचुरली टू अस क्या धन्यवाद करना परमेश्वर को स्वाभाविक रूप से आ जाता है हमारे अंदर नो नहीं वी हैव टू ट्राई हमें सीखना पड़ता है दानियेल चैप्टर 6 दानियेल के छठे अध्याय में दे सेड यू विल नॉट प्रे वो कहते हैं तुम प्रार्थना नहीं करो एनी अदर गॉड एक्सेप्ट द डीटी दैट इज देयर बिफोर यू वो जो मूर्ति तुम्हारे सामने सिर्फ उसी की आराधना करोगे और किसी की आराधना नहीं करोगे द किंग मेक्स द अनाउंसमेंट और राजा जो है उसका जो है दानियेल अपनी आदत के अनुसार जाता है ओपन द विंडोज अपने खिड़कियों को खोलता है 3 times a day तीन बार नील्स डाउन घुटनों पे आता है आई नेवर सॉ दिस और मैंने कभी ये ऐसे इस तरीके से नहीं देखा उसने कहा he prayed and gave thanks before the lord उसने प्रार्थना की और धन्यवाद दी प्रभु he doesn't mention anything वो कुछ भी नहीं just prays and gives thanks to god वहां पे सिर्फ इतना लिखा है कि वो प्रार्थना करता है और धन्यवाद देता है what happened when he gave thanks क्या होता है जब उन्होंने धन्यवाद दिया he sleeps in the lion's den वो सोता है उस शेर की मान में 600 to 900 lions in that den वहां पे 600 से 900 शेर है और स्टीवन स्टडीड एंड सेड इन एनी डेन इन द रोमन एंपायर इन अ डेन ऑफ लायंस देयर वुड बी बिटवीन 600 टू 900 लायंस इनसाइड अ डेन और वो कहते थे वहां पे डॉक्टर स्टीवन्स ने ये बात बताई थी कि उस शेर की मान में 600 से लेकर 900 तक शेर हुआ करते थे ही स्लीप्स वो सोते हैं वहां पे हु डिडंट स्लीप कौन नहीं सोया वहां पे लेकिन राजा नहीं सोया वन मेड द अनाउंसमेंट जिसने घोषणा की थी ही कुडंट स्लीप वो सो नहीं पाया डैनियल स्लीप्स पर डैनियल इन द मिडिल ऑफ लायंस शेरों के बीच हाउ डिड जीसस स्लीप इन द मिडिल ऑफ द स्टॉर्म यीशु मसीह कैसे सोए उस तूफान के अंदर थैंकफुल हार्ट उनके पास एक धन्यवाद देने वाली आत्मा है हैव अ थैंकफुल हार्ट हमारे पास भी एक धन्यवाद देने वाला हृदय होना चाहिए बी थैंकफुल टू गॉड प्रभु को धन्यवाद देते रहो गॉड वाइज इन अ वाइल एक बार के लिए नॉट बिफोर मील्स ओनली सिर्फ अपना भोजन करने से पहले नॉट ओनली व्हेन समवन ब्लेसेस यू सिर्फ तभी नहीं जब कोई तुम्हें आशीष दे थैंकफुली फॉर एवरीथिंग पर हर बात के लिए धन्यवाद इन एवरीथिंग बी थैंकफुल टू गॉड और हर बात के लिए धन्यवाद इट दैट्स वेयर यू हैव योर पीस विल बी रिटेन्ड और वहीं पे तुम्हारी जो शांति है वो बनी रहेगी पर तुम्हें ये सीखना पड़ेगा वरी अबाउट नथिंग चिंता मत करना किसी बात के लिए प्रे अबाउट एवरीथिंग सब सारी बातों के लिए थैंक्स फॉर एनीथिंग और हर बात के लिए धन्यवाद करो एनीथिंग किसी भी बात Give thanks to God for it. धन्यवाद करो प्रभु का Fourth. चौथी बात Verse 8. आठवीं बात He says finally brethren. और वो कहते हैं And he lists all things whatsoever is true, honorable, right, pure, lovely, good reputation, excellent, worthy of praise. Think about these things. और वो कहते हैं आठवें वचन में ये सारी बातें कि जो बातें आदरणीय हैं, सत्य हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, ये सारी बातें मैं सद्गुण के द्वारा प्रशंसा और चौथी बात मेडिटेट ऑन गुड थिंग्स और वो अच्छी बातों पे मनन करो अच्छी बातों पे ध्यान रखो हैव एनी ऑफ यू एवर गॉट नेगेटिव थॉट्स क्या कभी भी किसी को कोई नेगेटिव थॉट्स आए हैं रॉन्ग थॉट्स गलत सोच आई है आया कभी गलत सोच हैव यू ट्राइड से हैव यू एवर ट्राइड लाइक दिस आई विल नेवर थिंक दिस बैड थॉट अगेन और मैं कभी ऐसा सोचा है कि मैं इस बुरी सोच को कभी नहीं सोचूंगा वापस फ्रॉम द बाइबल I will never think this bad thought again. कभी ऐसा किया है कि बाइबल खोल के ऐसा कहा कि नहीं मैं इस बुरी सोच को कभी भी अपने अंदर नहीं The moment you close the Bible, two more bad thoughts come. और जिस क्षण आपने वो बाइबल बंद की वापस और दो गलत विचार आते हैं। This is how the Christian loses the battle. और इसी तरीके से एक मसीह जो है अपना we get hyper spiritual.
I'll explain you why. और हम जो है मानो hyper spiritual बन जाते हैं। I won't think any bad things. मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं सोचूं। I won't think any bad. मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं सोचूं। I won't think any bad things. मैं कोई भी बुरी चीज़ नहीं सोचूं। What's the result? और फिर क्या होता है? I will remove this from my mind. मैं अपने मन से इस बातों को निकाल दूँगा गलत बातों को। You remove it, more come. आप निकालते हैं और आ जाता है। How am I thinking these bad things all the time? अरे कैसे होता है कि बॉडी जो सारी चीजें हो और वो आठवें वचन में बॉडी जो focus on removing the bad things, you focus on the good things. वो कहता है कि इस पे ध्यान मत देना कि कैसे उन बुरी बातों को निकालना है पर अच्छी बातों पे ध्यान दे. You focus on these things. अच्छी बातों पे ध्यान दे. Whatsoever is true. जो भी बातें सत्य है. Whatsoever is honorable. जो भी आदरणीय है. Whatsoever is right. जो भी सही है. Whatsoever is praiseworthy. जो भी प्रशंसा के योग्य है. You will find in the scriptures, you will find in the person of Christ. आप उसे वचनों में पाएंगे और यीशु मसीह के व्यक्तित्व में. When they train people. जब वो सिखाते हैं लोगों को. To catch duplicate notes. जो नकली नोट पकड़ने के लिए. They don't show them different varieties of duplicate notes. वो उन्हें अलग अलग तरह की नकली नोटें नहीं दिखाते. They give them the real note. वो उन्हें असली नोट दिखाते हैं. And these people become expert in the real note. So when the wrong note comes, they'll catch it. और वो इतने माहिर हो जाते हैं असली नोट पहचानने में. They don't focus on the wrong note. वो पहचान लेते हैं. गलत नोटों पे ध्यान नहीं देते कि गलत डुप्लीकेट का समय. They focus on the right note. करेक्ट नोट और वो सही जो खराब नोट रहता है उस पे ध्यान देते हैं. असली नोट पे ध्यान देते हैं. असली पे हर तरीके से. They know the real note exactly how it is. और वो असली को पूरी अच्छे से पहचान लेते हैं. डुप्लीकेट नोट कम्स. सो जैसे ही नकली कोई देता है कैच इट. वो पकड़ लेते हैं. सेम थिंग पॉलिस. और वही बात पॉलिस. ट्राई टू फोकस ऑन रिमूविंग द रॉन्ग थॉट्स. Focus on what is right. और वही पॉलस कह रहा है कि ये मत ध्यान दो कि मैं गलत सोच को कैसे बाहर निकालूं पर अच्छी सोच का बना. Romans chapter 12 verse 2, renew your mind. और रोमियो का 12:2 कहता है अपने मन को नया. Colossians chapter 3 verses 1, 2 and 3, set your mind on things above where Christ is seated. Colossians 3:1-3 में ये कहता है कि सारी बातें अपनी ऊपरी बातों पे लगाओ. What do you fill your mind with? आप अपने मन को किस बातों से भरो? Christ or TV? यीशु मसीह से या टीवी से? I am not saying that watching TV is bad, by the way. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी देखना खराब बात है. What I'm saying is this. पर मैं ये कहना चाहता हूँ. If you watch so much TV that you don't have time for God. पर आप अगर इतना टीवी देख रहे हैं कि आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं. You will not have time to think on good things. तो फिर आपके पास अच्छी सोच सोचने के लिए समय नहीं. तो फिर आपका मन हमेशा बुरी बातों पे लगा रहता है. अपने मन को बचा. That's where the battle is lost or won for the Christian. और हर मसीह अपना युद्ध वहीं पे जीतता है, वहीं पे हारता है अपने मन. Verse 9. 9वें वचन. And this is the practical part. और ये जो है मानो, ये जो मानो things that you have learned, जो बातें तुमने सीखी है, received, जो ग्रहण की है, heard, सुनी है, seen, और देखी है. What's he saying? What you learned in church and Bible college? जो आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं church में, Bible. Personal walk with God. जो व्यक्तिगत रूप से. What you received from the Holy Spirit? जो आप पवित्र आत्मा से ग्रहण कर रहे हैं. What you heard? जो भी आपने सुना है. What you saw in people's lives? जो आपने लोगों के जीवनों में देखा है. Practice these things. उन चीजों की आप प्रैक्टिस करते हैं. Ah, Paul is saying. Paulus कह रहा है. You traveled with me. तुम मेरे साथ. You saw me preach. तुमने मुझे प्रचार करते. You saw my way of life, my devotion for God. तुमने देखा कि कैसे मैं प्रचार करता था, कैसे मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं. मेरी भक्ति को देखा परमेश्वर की. You have seen my faith in the Lord. तुमने मेरा विश्वास देखा. You have seen the trips that I have taken. तुमने वो देखी है जगह जहां मैंने defended the faith. कैसे मैंने अपने विश्वास. You have seen everything. सब कुछ देखा है. You have also seen what God has done. तुमने वो भी देखा है परमेश्वर ने क्या किया. You have seen everything. You have learned, you have received, you have done everything. तुमने सीखा है, देख लिया है, तुमने सब कुछ ग्रहण किया. Now go do it. अब करो उसको. Go do it. अब जाके उन बातों को करो. What's he saying? वो क्या कह रहे हैं? Do the right thing. वो कह रहे हैं सही बात. Whatsoever is right, do it. जो भी बातें सही हैं उनको करो. Whatsoever is pure, do it. जो भी चीजें पवित्र हैं. Whatsoever is noble, do it. जो भी चीजें अच्छी हैं उनको करो. What does he say? वो क्या कह रहे हैं? At the end of it. उसके अंत में. And the God of peace will be with you. और वो कहते हैं परमेश्वर जो शांति का स्वामी. How do I do that? वो कैसे? You do the right thing. वो कैसे होगा? You worry about nothing. तुम चिंता मत करना किसी बात के बारे में. You pray about everything. सारी बातों के लिए प्रार्थना करना. Give thanks for everything. धन्यवाद दो हर बात के लिए. Think about good things. अच्छी बातों के बारे में सोचो. And then do the right things. और फिर सही चीजें करो. Shall we repeat it together? क्या हम इन बातों को फिर से दोहराएं? एक साथ बोलेंगे? एक साथ बोलेंगे. Ready? 1, 2, 3. What is the first one? पहली बात क्या है? God? चिंता मत करो. Worry about? Second, pray about everything. Third, give thanks in anything. Fourth,
चौथी बार व्हाट फोकस ऑन द गुड थिंग्स एंड फेथ अच्छी चीज़ डू द व्हाट द रिजल्ट सही चीजें करोगे तो क्या होगा उसका परिणाम क्या निकलेगा ये सारी वज्र सातवें पद दैट्स द रिजल्ट और वो तुम्हारा द पीस ऑफ गॉड वो कहते हैं जो परमेश्वर की शांति है व्हिच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग वो सारी बातों को जो परे हैं विल गार्ड योर हार्ट्स एंड योर माइंड इन क्राइस्ट जीसस वो तुम्हारे मन को और तुम्हारे तुम्हारे हृदय को संभाल कर रखे पढ़ेंगे वर्स 7 जो से 4-7 तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे कैन वी रीड दैट वर्स टुगेदर क्या हम ये पंक्ति साथ में पढ़ सकते हैं वर्स टुगेदर रेडी आइए सब साथ में एंड द पीस ऑफ गॉड पासेस ऑल कॉम्प्रिहेंशन विल गार्ड योर हार्ट एंड योर माइंड इन क्राइस्ट जीसस हिंदी में पढ़ेंगे दोस्त पढ़ो तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे यू नो व्हाट द वर्ड गार्ड इज जानते हैं वो शब्द जो है सुरक्षित उसका मतलब क्या है इट मींस अ गैरिसन ऑफ सोल्जर्स प्रोटेक्टिंग अ फोर्ट इसका मतलब ये है कि जो सेना है चारों ओर से एक किले की रक्षा किला के किले की रक्षा दिस मींस दिस इसका मतलब ये है जीसस क्राइस्ट बिकम्स योर गार्डियन ऑफ पीस दैट इज इन यू और यीशु मसीह जो है आपको व्हाट काइंड ऑफ पीस डज ही गिव यू और वो किस तरीके की शांति देते हैं आपको दैट पास इज ऑल अंडरस्टैंडिंग वो सारी समझ से परे है डिड जीसस शो दैट इन हिज लाइफ क्या यीशु मसीह ने अपने जीवन में हां बिल्कुल 40 डेज इन द विल्डनेस रिमेंबर 40 दिन ही इज इन द स्टॉर्म वो तूफान के गार्डन वो गार्डन में लाजरस इज डेड लाजरस के मृत्यु के ऑन द क्रॉस क्रूस पर एट हिज अरेस्ट उनके ऊपर परफेक्ट पीस उनके अंदर एक सिद्ध शांति है दैट पिक्चर ऑफ क्राइस्ट यू से दैट हाउ कैन ही हैव सो मच पीस जब आप वो चित्र देखते हैं यीशु मसीह का तो आप सोचते हैं कि उनके अंदर पॉल इज सेइंग और पॉलस कैन लिसन व्हेन द प्रिंस ऑफ पीस इज इन योर लाइफ वो कहते हैं जब शांति का राज यू डू व्हाट फिलिपियंस 4 6 7 8 9 आर सेइंग और जब तुम करते हो जो फिलिपियंस 4 6 7 8 यू विल हैव दैट पीस तो फिर तुम्हारे अंदर वो शांति आएगी व्हेन स्टॉर्म्स कम यू विल आल्सो स्लीप इन द बोट जब तूफान आएगा तो तुम्हारे अंदर तुम भी सो व्हेन बिट्रेज यू यू विल आल्सो हैव परफेक्ट पीस जब कोई तुम्हें नकारेगा तुम्हें दुआ ट्रायल सिचुएशन यू विल हैव परफेक्ट पीस जब तुम परेशानियों से गुजरोगे तब तुम्हारे अंदर भी शांति यू विल हैव दोस थिंग्स यू कैन बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ पीस गार्ड्स यू तुम्हारे अंदर वो सारी शांति बनी रहेगी सारी शांति हो सकती है क्योंकि जो शांति का राजकुमार है यू डोंट अंडरस्टैंड इट पर तुम इस बात को समझ नहीं पाओ इट्स देयर पर वो है इट्स सुपरनैचुरल वो अद्भुत रीति से सीरियस वो बिल्कुल वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स इन सारी बातों को समझ नहीं बट इफ वी डू दिस फाइव थिंग्स पर इन चीजों को अगर हम करें इफ वी डू दोस फाइव थिंग्स अगर इन पांच चीजों को हम करें देन द पीस ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट गार्ड्स यू तो शांति का जो परमेश्वर है वो तुम्हारी सुरक्षा यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड तुम्हें समझने की जरूरत नहीं नो दैट ही गार्ड्स और ये जानो कि वो तुम्हारी यू डोंट हैव टू लिव अ ट्रबल्ड लाइफ जो तुम्हें चिंता का जीवन जीने की जरूरत नहीं you don't have to live a fearful life तुम्हें डर का जीवन जीने की जरूरत you don't have to live a life full of worry तुम्हें चिंता करते हुए सारा जीवन बिताना you don't have to live a life uncertain of the future और तुम्हें ये सोचते हुए डरते हुए every situation God gives you the peace which is beyond understanding क्योंकि हर परिस्थिति में प्रभु यीशु तुम्हें शांति देते हैं Father we thank you पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं thank you this evening धन्यवाद आज की शांति God of all peace कि आप हैं सारी शांति के राजा you are beyond what we can ask of you हम सोच भी नहीं सकते उससे भी परे हैं प्रभु आप You are greater than our thoughts. आप बड़े हैं उससे भी जिससे हम You are greater than our works. आप हमारे कार्यों से बड़े हैं You are amazing God. आप अद्भुत हैं परमेश्वर You are great Lord. आप जो है बड़े परमेश्वर wonderful counselor, mighty God. आप जो है अद्भुत रीति से सलाह देने वाले हैं परमेश्वर आप हमारे संभालने वाले हैं प्रभु You are our Prince of Peace. आप हमारे शांति के राजकुमार You are our Prince of Peace. आप हमारे शांति के राजकुमार If you are here this evening. अगर आज की शाम आप यहाँ पे हैं and you don't have peace in your life, और अगर आपके मन में शांति नहीं है you've never accepted Jesus as your savior. आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है No. तो जानिए When you accept Christ, तो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, comes into your life and gives you peace forever. तो वो आपके जीवन में आते हैं और आपको शांति देते हैं हमेशा के लिए. Don't fear. डरिए मत. God gives you His eternal peace. परमेश्वर जो आपको उनके अनंत काल Put your trust in Him. यीशु मसीह पे अपना भरोसा रखिए. Jesus,
कहिए यीशु मसीह। I accept you as my Lord and Savior। मैं आपको अपना उद्धार करता हूँ। Come into my life। आप मेरे जीवन में आइए। Come into my life and change me। मेरे जीवन में आइए, मुझे बदल दीजिए प्रभु। Forgive me my sins। मेरे पापों से मुझे क्षमा कर दीजिए। I put my trust in you। मैं आप पे अपना भरोसा रखता हूँ। I accept you as my Lord and Savior। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। If you're saying that prayer, अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं पहली बार, raise your hand for a moment, put it down. एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर कर लीजिए और नीचे कर लीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद उन हाथों के लिए। If you're a believer, अगर आप एक विश्वासी हैं, and maybe you're struggling today, और शायद आप किसी बात से परेशान हैं, maybe something that has taken away your peace, शायद कोई बात है जो जिससे आपकी शांति खो चुकी है, take a full moment and give it to Jesus right now. कुछ क्षण लीजिए और अभी प्रभु यीशु से मांगिए। Ask him for that peace that passes all understanding. उससे मांगिए कि प्रभु वो शांति मुझे। God has not given you a spirit of fear. परमेश्वर ने आपको एक डर का आत्मा नहीं दिया। He has given you a spirit of a sound mind. पर उन्होंने आपको एक अच्छी बुद्धि का। Ask the Lord. और परमेश्वर से मांगिए। Give your cares to him. उन पे अपनी सारी चिंताएं डाल। Give your concerns to him. उन पे अपनी सारी परेशानी। Trust him. भरोसा रखना। Believe in him. उन पे विश्वास रखिए। He will come through for you. और वो आपकी परिस्थितियों में बाहर निकाले। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद। We are here in this place. हम इस जगह पे हैं। Give our cares to him. और आपको अपनी सारी चिंताएं देते हैं। Give our worship to you. हम सब में से सबको आज आशीष जीसस के और यीशु मसीह के नाम से। आमीन।